हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉलिक एसिड और उससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो आज तक आपने नहीं जानी होंगी, ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सारी बातें आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, बहुत जगह मेडिकल फैसिलिटीज रिज्यूम नहीं हुई हैं और कोविड की वजह से आप लोग भी अच्छी तरह से खुल के हर काम अपने बाहर के नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऐसे में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको विटामिन्स लेना बहुत जरूरी है। तो प्रीनेटल विटामिन्स में फॉलिक एसिड सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको विटामिन B9 भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि फॉलिक एसिड का प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन है, क्या ये केवल महिलाओं के लिए जरूरी है या पुरुषों के लिए भी जरूरी है, इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। इसके अलावा अब आप घर में अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड किस तरह से शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे फॉलिक एसिड करता क्या है आपकी बॉडी में। तो फ्रेंड्स, मेल में, पुरुषों में फॉलिक एसिड जो है स्पर्म काउंट बढ़ाने का काम करता है। अगर आप फॉलिक एसिड लेते हैं पर्याप्त मात्रा में दवा के बजाय अगर खाने से लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी उसकी खाने से पूर्ति नहीं होती है तो हमको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि खाने को किस तरह से दवा के तरीके से लें और टारगेटेड एकदम स्ट्रीमलाइन एफर्ट से अगर आप करेंगे, लेंगे सही तरीके से, तो आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अगर आप पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड का सेवन कर रहे हैं, आपके आहार में है, तो DNA में होने वाले जो डिफेक्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो डिफेक्ट नहीं आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मानसिक जो बीमारियां होती हैं उनसे भी फॉलिक एसिड बचाव करता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कि आप नहीं जानते होंगे फॉलिक एसिड से रिलेटेड, कि फॉलिक एसिड आपके ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है। बहुत ही जरूरी विटामिन है कि अगर आपका ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा, बहुत सारे रेमेडीज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, लेकिन फॉलिक एसिड स्किप हो रहा है, वो मिस हो रहा है, वो आप नहीं ले रहे हैं, तो आपका ओव्यूलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, सही समय पे नहीं हो पाएगा जो उसे होना चाहिए। इसलिए ओव्यूलेशन को रेगुलेट करने के लिए फॉलिक एसिड का सेवन पर्याप्त मात्रा में बेहद ही जरूरी है। फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड की एक दिन में मात्रा 400 mcg पर्याप्त मानी जाती है। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से हम किन चीजों को सही तरीके से खाएं कि हमको फॉलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा डेली की शरीर को मिल जाए। फ्रेंड, जितनी भी दालें होती हैं, मूंग ले लीजिए, चना की दाल ले लीजिए, अरहर की दाल ले लीजिए, इसके अलावा बीन्स जितनी होती हैं, तो मटर है, इन सभी में बहुत अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है। फॉलिक एसिड के साथ ही बहुत अच्छा फाइबर भी होता है और बहुत अच्छा प्रोटीन भी पाया जाता है। तो दालों और बीन्स की डेली 1 कप की मात्रा आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा जो नॉनवेज खा सकते हैं, जो एग कंज्यूम कर पाते हैं, ले पाते हैं, उनके लिए एग लेना बहुत जरूरी है, और जो एग नहीं ले पाते हैं वो किनोवा ले सकते हैं। किनोवा क्या है इस पे मैंने वीडियो बनाया है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की है, तो बहुत जरूरी है कि आप किनोवा से रिलेटेड वीडियो को देखें। इसके अलावा जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स और पत्ते वाली वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, वो सारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें फॉलिक एसिड के साथ साथ विटामिन K भी होता है। AMH वगैरह का इश्यू है आपके साथ में, तो विटामिन के की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट और जूस हैं, सिट्रस फ्रूट्स का क्या रोल होता है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सिट्रस जूस भी बहुत अच्छे से लेना चाहिए, वो भी फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। या बीट, ये भी बहुत अच्छी मात्रा में आपके शरीर को फॉलिक एसिड प्रदान कर सकता है, तो आप इसका जूस ले लीजिए। चुकंदर का खाली जूस लेना उतना अच्छा नहीं होता, कभी कभी लोग गैस हो जाती है, तो आप चुकंदर के जूस को बहुत थोड़ी मात्रा में, आधा कप, उसमें गाजर का जूस मिला सकते हैं और इस तरह से आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी 2 स्लाइसेस 3 स्लाइसेस सलाद के फॉर्म में अपने लंच टाइम में ऐड कर सकते हैं। जितने भी नट्स और सीड्स होते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, बहुत सारे सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड, सनफ्लावर सीड्स, ब्राजीलियन नट्स आदि जितने भी सीड अवेलेबल होते हैं, वो सारे सीड्स और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आपको थोड़ी मात्रा में एक मुट्ठी भर नट्स डेली ही कंज्यूम करने चाहिए। चाहे तो आप उसको टी टाइम पे ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट चाहे तो आप मॉर्निंग में सोक करके, ओवरनाइट सोक करके भी ले सकते हैं। अब अगर फॉलिक एसिड की बात की जा रही है तो शतावरी को बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता। शतावरी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फॉलिक एसिड का। इसके अलावा और भी बहुत सारा भंडार होता है शतावरी के अंदर, तो मैं शतावरी आप सभी को बहुत जरूरी तौर पर सजेस्ट करूंगी। अब बात आती है स्प्राउट्स की। फॉलिक एसिड की बात की जाए और स्प्राउट्स बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। स्प्राउट्स आपको डेली किसी न किसी फॉर्म में वन और अनदर टाइम लेना जरूरी है। डेली 1 कटोरी स्प्राउट्स आप अपने खाने में, अपने आहार में, दिन भर के आहार में कभी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीट ग्रास जूस, व्हीट ग्रास जूस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है
प्रीनेटल विटामिन के तौर पे, जिसको हम आहार के रूप में ले सकते हैं। तो आप इन सारी चीजों को अपने रूटीन में, अपनी डाइट में सही तरीके से शामिल करें। तो जब आप इन चीजों को लेने लगते हैं तो इन सबको मिला के डेली की रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की वो फुलफिल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें, ये सारे मॉडिफिकेशन आप जल्दी ही अपने रूटीन में ऐड कर देंगे और इसका पूरा पूरा लाभ ले पाएंगे। इसी तरह से जुड़े रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ, और हाँ, ये जानकारी आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड, जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।